हरे कृष्णा व्यूवर्स, चैप्टर 1 से एग्जांपल 11 देखते हैं। शो डैट 3√2 इज़ इरेशनल नंबर। हमें इसमें बताना है कि क्या 3√2 इरेशनल नंबर है। वैसे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इरेशनल नंबर है, पर हमें इसमें मतलब प्रूफ करके बताना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है या फिर नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपसे पूछते हैं ना कि इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो आपको उल्टा मानना है, ठीक है। यानी कि आपको उल्टा मान के क्या करना होगा कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3√2, ठीक है, 3√2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। हम ऐसे एग्ज्यूम कर रहे हैं कि 3√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और आपको पता होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होता। हम वही सेम इधर लिखेंगे कि 3√2 इज इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आर फर्स्ट स्टेप वुड बी दिस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है कि 3 क्या है, 3 किस में है, मल्टीप्लाई में। तो अब इधर आके हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड। तो यहाँ पे 3 किस में है, मल्टीप्लाई में। तो जब इधर आएगा तो 3 क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे √2 का √2, बस इतना सा सम था, बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब आप कहोगे यार ये सॉल्व कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सम खत्म हो गया। इस सब में आपको क्या करना होता है, इस सब में ना आपको ये जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, इन्हें अकेला छोड़ना होता है। यहाँ पर देखो, इस स्टेप पे मैंने जैसे ही 3 को मैं नीचे लाया, अकेला छूट गया, ये अकेला छूटा तो सम सॉल्व। अब आपको बस 3-4 लाइनें लिख के दिखानी होंगी, वो क्या, p q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स, सो √2 इज इक्वल टू p3/q इज ऑल्सो ए इंटीजर्स, ठीक है। एंड p/q आर इंटीजर्स, सो √2 इज इक्वल टू p/3/q इज ऑल्सो ए इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, सो रूट टू इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक आप ऐसे करोगे, फिर आप उन्हें सच बता दोगे कि ये जो कंक्लूज़न था ये हमारी वजह से पैदा हुआ था, क्योंकि हमने इसे गलत माना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्शंस द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। दिस इरेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर, सिंपल। बस पूरा का पूरा इतना सा सम था, और आपको ये लाइनें लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। समझ आए आपको इस सम, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, हम इसको खा लिया डिवाइड में, सिंपल। और जहाँ पे रूट अकेला छूटा वहाँ पे आपका सम ओवर। फिर आपको ये 3-4 लाइनें लिख के दिखानी होगी। सो दिस वॉज दी वीडियो, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।